हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ अनसटल एडल्ट। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे देश को न्यूक्लियर पावर बनाने का सपना दिखाने वाले डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा की डेथ मिस्ट्री के बारे में, और कैसे उस वक्त के हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी और फादर ऑफ इंडियन एटॉमिक रिसर्च डॉक्टर होमी भाभा दोनों की 13 दिन के अंदर मिस्टीरियस कंडीशन में डेथ हो गई। शास्त्री जी की डेथ हुई 11 जनवरी 1966 को और डॉक्टर होमी भाभा की डेथ हुई 24 जनवरी 1966 को। बिना कोई भी टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। होमी भाभा का जन्म 13 अक्टूबर 1909 को एक अमीर पारसी फैमिली में हुआ और उनके फादर का नाम था जहांगीर हुरमुसजी भाभा, जो जाने माने वकील थे, और इनकी माताजी का नाम था महरीन। इनकी शुरुआती शिक्षा कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल में हुई और उसके बाद ही एंटर्ड एलिफिनस्टोन कॉलेज एट द एज ऑफ 15। आफ्टर पासिंग सीनियर कैम्ब्रिज एग्जामिनेशन विद ऑनर्स ही अटेंडेड द रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन 1927 बिफोर ज्वाइनिंग कायस कॉलेज ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। साल 1931-32 में इन्हें सेलोमॉन स्टूडेंटशिप से सम्मानित किया गया और 1933 में अपना पहला साइंटिफिक पेपर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉस्मिक रेडिएशन पब्लिश करने के बाद उन्हें न्यूक्लियर फिजिक्स में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल हुई। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान वो वैकेशंस में इंडिया आए और तब उन्हें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में एज अ रीडर सर्व करने का मौका मिला। उनका इस जॉब को लेने का सबसे बड़ा कारण था कि उस वक्त बहुत जाने माने फिजिसिस्ट डॉक्टर सीवी रमन फिजिक्स डिपार्टमेंट को हेड कर रहे थे। उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्मिक रे रिसर्च यूनिट को एस्टैब्लिश किया और 1944 में पॉइंट पार्टिकल मूवमेंट पर काम करते हुए न्यूक्लियर वेपन रिसर्च की भी स्थापना की। होमी भाभा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के फाउंडिंग डायरेक्टर बने और उनकी अगुवाई में AEET बना और बाद में इसका नाम बदलकर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर दिया गया। वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन थे। उन्हें एडम्स प्राइज और पद्म भूषण जैसे सम्मानों से नवाजा गया और उन्हें साल 1951 तथा 1953 से लेकर 1956 तक नोबल प्राइज इन फिजिक्स के लिए नॉमिनेट किया गया। ही वर्कड अलोंगसाइड नोबल प्राइज विनर एंड फंडामेंटल फिजिक्स पायनियर नील्स बोर। होमी भाभा ने ऑल इंडिया रेडियो पर डिक्लेयर किया था अगर उनको गो अहेड दिया जाए तो वो 18 महीने में न्यूक्लियर वेपन बना देंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एयर इंडिया फ्लाइट 101 के बोइंग 707 मॉडल, जिसका नाम कंचनजंगा था, वो दिल्ली से उड़ा और 24 जनवरी 1966 को स्विस एल्प्स के माउंट ब्लैंक पीक में क्रैश हो गया। इस फ्लाइट में होमी भाभा सहित 117 लोगों की डेथ हो गई। ये ऑफिशियल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एरोप्लेन के VOR काम ना करने की वजह से मिसकम्युनिकेशन हुआ और पायलट अपनी लोकेशन को मिसकैलकुलेट कर गया एंड ही क्रैश्ड। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहती है होमी भाभा वाज असैसिनेटेड बाय CIA और उसका सबसे बड़ा बेसिस है एक जर्नलिस्ट ग्रेगरी डगलस की कन्वर्सेशन विद द क्रो नाम की बुक। इस बुक के हिसाब से CIA ऑफिसर रॉबर्ट क्रॉली अलेजिड कि शास्त्री जी और डॉक्टर होमी भाभा की डेथ के पीछे CIA का हाथ था। क्रॉली का क्लेम था कि प्लेन के कार्गो सेक्शन में एक बॉम्ब एक्सप्लोड किया गया जब प्लेन आल्प्स के ऊपर से गुजर रहा था। क्रैश से कुछ मिनट पहले पायलट ने कंट्रोल रूम को बताया कि प्लेन 19,000 फीट की ऊंचाई पर है, यानी माउंट ब्लैंक की सबसे ऊंची चोटी से लगभग 1 किलोमीटर ऊपर, और अगले लगभग 2 मिनट बाद ही प्लेन क्रैश हो गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1950 में एक और एयर इंडिया फ्लाइट मालाबार प्रिंसेस इसी रीजन में क्रैश हुई थी और उसका मलबा एक ही लोकेशन पर मिला, जबकि होमी भाभा का क्रैश हुए प्लेन का मलबा 25 किलोमीटर में फैला हुआ था। फिलिप रियाल, जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर ऑफ फ्रांस के एडिटर थे, उन्होंने क्रैश साइट पर अपना क्रू भेजा। 1843 नाम की मैगजीन के अनुसार उस टीम को 2 सबूत मिले। पहला, प्लेन का एक टुकड़ा जिस पर 1 जून 1960 लिखा हुआ था, जबकि ये प्लेन जो क्रैश हुआ वो था बोइंग 707 जो बनना ही 1961 में शुरू हुआ था। दूसरा एविडेंस था
प्लेन के फ्यूसलेज का पीले रंग का टुकड़ा। एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग ये इंडियन प्लेन का नहीं था। ORTF ने एक और टीम ब्लैक बॉक्स को लोकेट करने भेजी, लेकिन फ्रांस के एक मिनिस्टर ने फोन करके उस टीम को वापस आने को कहा। इन्हीं दो टीम में से ही एक इन्वेस्टिगेटर ने अपनी थ्योरी पब्लिक की और कहा कि ये प्लेन किसी दूसरे प्लेन से टकराया है। उसी दिन एक इटालियन फाइटर प्लेन के भी मिसिंग होने की रिपोर्ट थी और कुछ लोग मानते हैं कि फ्लाइट 101 उसी फाइटर प्लेन से टकराई। डेनियल रोच नाम के माउंटेन क्लाइंबर और एविएशन एंथुजियास्ट ने फ्लाइट 101 का मलबा रिसर्च करने में 5 साल लगा दिए और मलबा ढूंढते हुए उन्हें प्लेन के बहुत से इंपॉर्टेंट हिस्से भी मिले, जैसे कि पायलट की हैंडबुक और कैमरा। 2009 में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डेनियल रोच का मानना था कि इंडियन फ्लाइट 101 किसी मिलिट्री प्लेन या मिसाइल से टकराया था, और रोच का मानना था कि अगर फ्लाइट माउंटेन में क्रैश होती तो उसमें भरे 41,000 टन फ्यूल में आग लगती और एक बहुत बड़ी फायर क्रिएट होती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि रोच का मानना था जिस ऊंचाई पर प्लेन था वहां काफी कम ऑक्सीजन होने की वजह से आग नहीं लगी। रोच का कहना था कि इटली के फाइटर प्लेन F-104G स्टार फाइटर, इसी से होमी भाभा का प्लेन टकराया था। वर्ल्ड वॉर टू के बाद से इटली गवर्नमेंट फ्रेंच मिलिट्री की जासूसी करने के लिए इस प्लेन का यूज करती थी। इटालियन पायलट्स डिटेक्शन से बचने के लिए अपने फोन का ट्रांसपोंडर निकाल दिया करते थे और इसी वजह से वो दूसरे एयरक्राफ्ट से भी कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते थे। फ्रांस के ही शहर ब्रिटनी में क्रैश से जुड़ा एक दिलचस्प सबूत है। वहाँ क्रैश साइट के लिए बनी एक मेमोरियल है। उस मेमोरियल में एयर इंडिया 101 से जुड़ा एक कोना है जहाँ एक बैंड पैनल रखा हुआ है, उस पर लिखा है USAF। ये एक पुख्ता सबूत है कि होमी भाभा का एयरक्राफ्ट अमेरिकन मेड F-104G से टकराया था। उसके कुछ समय बाद माउंटेन रेस्क्यूअर आर्नोल्ड क्राइस्टमैन और ह्यूज बर्गर को उसी प्लेन की क्रैश साइट पर एक इंडियन डिप्लोमेटिक बैग मिला, जिसमें हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू और द स्टेट्समैन न्यूज़पेपर के अलावा 1966 का एक कैलेंडर था और न्यूयॉर्क के तत्कालीन इंडियन कौंसिल जर्नल C.K. मेनन को लिखा एक लेटर भी था। अब आते हैं उस किताब पर जिसको प्राइमरी सोर्स मानकर ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी गढ़ी गई, वो किताब जिसका नाम है कन्वर्सेशन विद द क्रो। ग्रेगरी डगलस, जिसका असली नाम पीटर स्टॉल था, उसने अपनी किताब में लिखा कि CIA ऑफिसर रॉबर्ट क्रॉली की उससे 120 बार टेलीफोन पर बात हुई बिटवीन 1996-2000, और उसकी किताब पब्लिश होती है क्रॉली के अल्जाइमर से मरने के बाद। अगर ग्रेगरी डगलस के बारे में कोई गूगल करके जानकारी लेने की कोशिश करे तो उसको बस एक लिंक मिलेगा जो TBR न्यूज़ का है। ये वो बेसिलिस्क प्रेस पब्लिकेशन है जिसने कन्वर्सेशन विद द क्रो पब्लिश की थी। TBR को पीटर स्टॉल का दोस्त और एसोसिएट रन करता था जिसका नाम था विलिस कार्टो, और वो एक जू होलोकास्ट डिनायर था। ना तो ग्रेगरी डगलस का कोई विकिपीडिया पेज है और ना ही इस बुक के अलावा कोई क्रेडिबल वर्क है। बहुत ढूंढने पर आपको ग्रेगरी डगलस के 3 साथी जिसके साथ उसने अपने लाइफ में किसी ना किसी पॉइंट पे काम किया है वो मिलते हैं, और उनके नाम हैं गिट्टा सेरेनी जो एक ब्रिटिश ऑथर हैं, डेविड इरविंग और लास्टली जोसेफ ट्रेंटो। ये सभी अपनी बहुत सी राइटिंग्स में बार बार जिक्र करते हैं कि कैसे ग्रेगरी डगलस एक झूठा था और जाली डॉक्यूमेंट्स देकर फ्रॉजरी किया करता था। गिट्टा सेरेनी कहती हैं कि वो नाजी से जुड़े चिन्हों को कलेक्ट किया करता था और वो ज्यूज होलोकॉस्ट को डिनाई किया करता था। ग्रेगरी डगलस हमेशा एक नाजी हेडरिंग पहनता था, यहाँ तक कि वो हिटलर की मौत को भी सच नहीं मानता था। ग्रेगरी डगलस का पेशा ही था कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को फैलाना और फेक नैरेटिव्स क्रिएट करना। वो दावे किया करता था कि उसने आकार बदलते एलियंस देखे हैं जो किसी व्हीकल से टकराने पर जैली बन जाते हैं, और ग्रेगरी डगलस का एक बहुत दिलचस्प दावा था कि 1 साल में हजारों लोगों को एलियंस उठा के ले जाते हैं। 2000 में चली ऑलमोस्ट सभी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की शुरुआत करने वालों में ग्रेगरी डगलस का नाम था, और सभी थ्योरीज को वो प्रेजेंट करता था रिविलेशंस फ्रॉम CIA ऑफिसर। मैं पर्सनली ग्रेगरी डगलस की बुक को क्रेडिबल सोर्स नहीं मानता हूँ, और आप भी अगर डॉक्टर होमी भाभा की मौत को CIA की कॉन्स्पिरेसी सिर्फ इस बुक के बेस पर मानते हैं जो एक झूठे फॉर्जर कॉनमैन और होलोकास्ट डिनायर के द्वारा लिखी गई, तो आपको इस बात पर फिर से विचार करने की जरूरत है।
CIA के पास मोटिव ज़रूर था और ये मोटिव था KGB और चाइना के पास भी, लेकिन बिना किसी पूरी जांच के कुछ भी कंक्लूजन पर आ जाना गलत होगा। ये एक कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है और शायद ये एक एक्सीडेंट ही रहा हो। ये सब राज तो आज भी मोंट ब्लैंक में ही है, लेकिन होमी भाभा की डेथ के बाद हमारी प्रोग्रेस बस डिले हुई, रुकी नहीं। और इंडिया के महान साइंटिस्ट ने आगे आके उनके अधूरे सपने को 18 मई 1974 में पूरा किया और इंडिया बना वर्ल्ड की 6th न्यूक्लियर पावर। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, सत्यमेव जयते।